और बाबा जी अगर अब आपका हुक्म हो तो हम अपने राजभवन वापस जाना चाहते। बेशक जा सकते हैं महाराज, आपको रोकने वाला कौन है। लेकिन जाने से पहले इतना जरूर कहूंगा कि एक रिक्वेस्टफुल्ली बात करना चाहता हूं मैं आपसे। क्या कहना चाहते हैं? जो माँ काली का एक टेंपल है, बिल्कुल छोटा सा मंदिर है, लेकिन यहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी शक्तियां हैं। लाखों की तादाद में लोग आते हैं, लेकिन जब यहाँ से निकलते हैं तो उनके चेहरे पे मुस्कान होती है। मतलब बहुत बड़ी शक्ति इस मंदिर में है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मंदिर एक भव्य और विशाल, बिल्कुल आलीशान मंदिर बन जाए, कि लोग देखते रह जाएं। बाबा जी, आज माँ काली के दरबार से हमारी बेटी को एक नई जिंदगी मिली है। आज जो ये काली माँ का मंदिर इस तरह है, एक दिन हम इसे इतना बड़ा और इतना खूबसूरत बनवा दूंगा कि लोग देखते रह जाएंगे। जय हो महाराज की। काश आपने ऐसा किया तो आपका नाम युगों युगों तक चलता रहेगा और उस मंदिर में आपका नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। बेटी, माँ के प्रणाम करो और बाबा जी से आशीर्वाद लो, हम सब लोग वापस चलते हैं। आइए बलबीर सिंह, सब लोग हमारे साथ आओ। बाबा जी आए। महाराज व राजकुमारी जी के चेहरे पर मुस्कान देखा और हम तो हमेशा आपके पास आते जाते रहेंगे। आपका हमेशा कल्याण होता रहेगा। क्योंकि मेरी ड्यूटी बड़ पर है। बाबा जी, हम लोगों के साथ एक बंदर आया था। बंदर? हाँ, शायद राजकुमारी जी की आवाज सुनकर उसे खुशी नहीं मिली, वो बंदर आपके कुटी के पीछे से निकल गया। बंदरों की प्रजातियां जरा अलग होती हैं। कौन गोरा वाला, काला वाला, दाढ़ी वाला, बगैर दाढ़ी वाला? नहीं बाबा। अरे अबे मेरा पर्दा फाड़ देगा तू। बाबा जी, ये हमारा सिपाही है। जाने दो, जो भी आता है जाता, जाने दो, इसके ऊपर नहीं पड़ता है। इसके ऊपर गुस्सा का चक्कर है। स्नान करते हो? स्नान करते हो? चलो, तुम तो हमसे भी अधिक निकल गए। हम तो 12 साल के बाद स्नान करते हैं। कोई बात नहीं, स्नान करते रहो, सब पाप भूल जाएंगे। जाओ। देखा, मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं ना। आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा। नहीं नहीं नहीं, मैं आओ आओ, कहां से आ रहे हो? संदेश से रहे बाबा? हाँ, बहुत दूर से भागता हुआ आपका नाम सुन के आए हैं। आप बहुत पहुंचे हुए हैं और ये पहुंच के लौटे हुए हैं। अच्छा, मतलब ये तुम्हारे घर से जाके आ रहा है, तुम्हारी माँ ने बताया होगा। बाबा, आपने दुनिया का कल्याण किया, थोड़ा हमारा भी कल्याण। अरे बच्चा, हम तुम्हारा पूरा कल्याण कर देंगे, तुम बताओ तो सही। रहम करो महारानी। बाबा, हम दरबार में नौकरी से छुट्टी नहीं पा रहे। हाँ। हमें मेहराजू का लड़का हुआ। अरे बाप रे, तो मैं क्या करूँ रे? आज बिहान लाग है। हाँ। बाबा, हम नौकरी छुट्टी नहीं पाए, हमें मेहराजू लड़का हुआ। हाँ। आज बिहान लाग है, हम जुगाल लगाते हुए 2-3 महीना का पीछा जात। बाबा, एक से बढ़कर एक सवाल ही आ जाते हैं। अब बताओ, अब इसके सवालों का जवाब मैं कहाँ से लाऊं? अरे, अपनी पत्नी के पेट में होने वाले बच्चे को रोकना चाहता है, है? अब इसके सवालों का जवाब इसी मार्ग से मुझे देना होगा, तभी इसके समझ में आएगा, नहीं समझ भी नहीं पाएगा। सबसे पहले तो ये बताओ बेटे, कि वो जो तुम्हारी पत्नी के पेट में बच्चा पल रहा है,
वो तुम्हारा है भी क्या? इनका यार। सही कह रहा है, समझदार है। कोई बात नहीं है, किसी का भी वो है बच्चा, पेट में पल रहा है। हम ये काम बड़ी सरलता पूर्वक से कर देंगे। अगर हाँ, अगर तुम चाहते हो कि वो बच्चा कुछ दिनों के लिए स्टोमच में स्थिर रह जाए, पेट में रह जाए, तो हम ये काम कर देंगे। लेकिन इसके पहले तुम्हें एक छोटा सा काम करना होगा। तुम भाग करके अपने घर जाओ और अपनी माँ को बुला करके मेरे पास लाओ। मतलब ये है बेटे कि तुम जिस रास्ते से निकल करके इस दुनिया में आए हो, उसी रास्ते से तुम्हें अंदर डाल करके मुझे पूजा करना होगा, तभी ये कार्य संभव है, अन्यथा असंभव है। फायदे का हो, हम एक जने को तो निकल नहीं दे रहे ना, आप हमहू का अंदर गए रहे हो। नहीं, फायदा होगा। क्या? तुम्हारा कम फायदा होगा, तुम्हारी अम्मा का ज्यादा फायदा होगा। तुम जितने दिनों तक अपनी माँ के पेट में पड़े रहोगे, तुम्हारी माँ बेचारी तुम्हारे पिता मतलब अपने शौहर से रात में लड़ाइयाँ लड़ने से बच जाया करेगी। रहा दियो हो जाओ। ऐसे ही सवालों का जवाब देना पड़ता है मेरे को, क्या करूं? तो मैंने कहा था नहीं कि मैं कोई तांत्रिक नहीं हूं। नो, आप लोग मेरे को तांत्रिक मत कहिएगा, मैं आप लोगों के ही जैसा जिंदगी का एक आरा थका इंसान था। लोगों ने मेरे को तांत्रिक बनाया है, और बनाने वाला कोई और नहीं, यही साला राजा है जो अभी आया था, इसी ने मेरे को तांत्रिक बनाया है। बहुत पहले की बात है, एक बार मैं इसके कोर्ट में गया और जॉब के लिए रिक्वेस्ट किया। मैंने कहा महाराज मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मैंने MSc किया है, अगर आज के कोर्ट में कोई छोटा मोटा जॉब मेरे को मिल जाए तो मेरी आर्थिक स्थिति में सुधार आ जाए और दो वक्त की रोटी मेरे को मिल जाए। इसने मेरा नाम पूछा, मैंने कहा महाराज मेरा नाम कृपा शंकर चतुर्वेदी है। ना जाने कौन सी बात आ गई, आग बबूला हो गया और क्रोधावेश में आकर के मेरे को धक्के मार करके कोर्ट से बाहर कर दिया। मैं इसका एक बाल भी तो नहीं उखाड़ सकता हूँ क्योंकि ये असम का राजा है। लेकिन इसी प्रतिशोध में मैं जल उठा, मुझ जैसे ब्राह्मण का इसने अपमान किया, इसका बदला चुकाऊंगा। एक मार्ग नजर आया, सबसे पहले मैंने इसी शहर असम का जादू लिया, फिर बंगाल का जादू लिया, कामरू और कामाख्या का जादू लिया, और लास्ट में मैंने अफ्रीका का काला जादू ले लिया। किस लिए? राजा को मिटाने के लिए, जिस राजा ने सिंहासन पे बैठ करके मुझ जैसे ब्राह्मण का अपमान करके कोर्ट से बाहर किया है, एक दिन उसी राजा को सिंहासन से बेदखल करके और उन सर झुका दिया, और झुके हुए सर कटी हुई डाली में कोई भी फर्क नहीं होता है, और एक राजा का सर झुक जाए मानो नेशनल फ्लैग ही झुक जाए। जाओ महाराज, तुमने मेरे सामने सर झुकाया है, मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया, नहीं तो साले नेस्तनाबूद कर देता, मैं तेरी दुनिया उजाड़ देता, तेरे खानदान को मिटा देता, तेरी बुनियाद को हिला देता। लेकिन आज के बाद मैं तेरे को क्षमा कर देता हूँ, जा अपनी जिंदगी अपने आप से जी। जय माँ काली की, फाटक बंद कर दे।
शिवाय ये क्या है? जल्दी बाहर निकलियो। हूँ हाँ लगी तुम्हारे घूम हराम खा शिवाय। देखा है तुम लोगों ने कि जो मैं नहीं चाहता था वही आज हो गया है। हराम खोर कहेगा। आवाज फंस रही भुगी चीज की है। शिवाय मैं कभी ये नहीं चाहता था। आवाज फट जाती अरे गिरगिट कहेंगे। मैं ये नहीं चाहता था कि राजकुमारी की इच्छा वो कभी ठीक हो जाए। इसलिए कि मैं तो हमेशा यही सोचता था कि राजकुमारी कभी ठीक ना हो और एक तिरछी बिस्तर पे अपने प्राण को त्याग दे। मान लीजिए वो बिस्तर पे मर गई तुम्हारा क्या फायदा होगा? बहुत बड़ा फायदा होता। यदि हराम खोर और राजकुमारी दुनिया में नहीं होती तो महाराज के पास कोई दूसरी औलाद नहीं थी। और एक दिन इज्जत तो ताज तक कोई मालिक होता, मालिक होता तो ये महामती रंजीत सिंह होता। यहाँ का कोई मालिक होता तो ये महामंत्री बखलंडी सिंह होता। तुम साले कुत्ते रणडी सिंह बोल रहा है। अरे यहाँ का कोई होता तो महामंत्री रणडी सिंह होता। शराम जादे अगर यहाँ का कोई चतुर्ता का मालिक होता तो ये महामंत्री रणजीत सिंह होता। लेकिन आज हमारे अरमानों पे पानी फिर गया है और इन सबों का जिम्मेदार कौन है? इन सबों का जिम्मेदार ये कौन है? इन सबों का जिम्मेदार और इन सबों का जिम्मेदार है तो वो सेनापति बलबीर सिंह है। और बलबीर सिंह महाराज व राजकुमारी को उस बाबा के पास तक नहीं ले जाता तो राजकुमारी कभी ठीक नहीं होती। लेकिन सिपाही बलबीर सिंह ने हमारे अरमानों पे पानी फेरा है और मैं जब तक उसकी हर खुशी को नहीं छीन लूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। आज के बाद देखना है रणजीत सिंह कौन सी चाल को चलता है और कौन सा खेल खेलता है। बदलो चाल चलो निहुरौआ कौनी गया कौनी गया कोई जानबे न कर हराम खोर नहीं मेहरानपुर वाली चलो क्रिया चैतन को ससे भा क्या बताइए। अरे तो के चाल चलेगा इस चाल चलने में ज्यादा माहिर है। देख क्या के बाद में कौन सी चाल को चलता हो और कौन सा खेल खेलता हो। सिवाई जिस बाबा ने राजकुमारी को ठीक किया है अगर एक दिन उसी से उसे बर्बादा दिया तो समझ ले कुछ ना किया। अब मैं देख कौन सी फितरत की जाल बिछाता हूं। तो सेना पद पे है बड़ा महाराज को सेनापति पे है बड़ा महाराज को नाज और उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। आग।
उसने मेरे खुशियों में लगा दिया है। बलवीर सिंह चले, जब तक कि तेरे खानदान का विनाश नहीं कर दूंगा तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा, जब तक इसे अपने रास्ते से नहीं हटाऊंगा तब तक हमारे दिल को चैन नहीं है। इसलिए सिवाय के सबसे पहले हम चलेंगे उस बाबा के पास, क्योंकि बाबा बहुत ही काम का है। इसे हम चलेंगे बाबा के पास और बाबा से दोस्ती का हाथ मिलाएंगे। अगर बाबा ने दोस्ती का हाथ मिला लिया तो देखना कि दिन महाराज और बलवीर सिंह की खुशी को छीन लूंगा और इस मुल्क का कोई सम्राट होगा तो ये रणजीत सिंह होगा। इसे आओ चलते हैं हम कल्याणमल बाबा के पास। आओ तुम दोनों मेरे काजो, देखो सारे दोखी का, देखा सारे जोखी हो, कितना लंबा प्लान बनाए। प्लान नहीं कहो, भूई प्लान बनाए। प्लान यार, हम कही प्लान यार, ये साला राजा बने बिना दबरा, राजा नहीं रोम बने हैं। सकल का नहीं देखत कहाँ महाराज और कहाँ यह साला बसुलाहा, बसुलाहा सारा हथौड़ा, कहाँ महाराज और कहाँ यह साला हुक्का, हुक्का एक सार चिलमा है, वही नियाद कहाँ कमल गट्टा के फूल, कहाँ साला कुकुर मोता के फूल, कहाँ सोने के थरिया, कहाँ कंटे बराबर बकुला, कहाँ एक हकीकत, कहाँ एक पहेली, अब कहाँ राजा भोज, कहाँ खड़ा हो जाओ। अब और खड़ा हूं, मैया महतारी का क्या बातें हो रही, किसकी बातें हो रही थी? सेनापति है, क्या बातें कर रहा था? मैं ये कह रहा था कि तुम्हारे खिलाफ अगर सेनापति ने कोई दोबारा कदम उठाया, एक बात और है, ये सरऊ कह रहे राजा बनब, यहाँ साला खाऊ रहा, यही सारा पसुलहा कहा था, तुम राजा बनी हो तुम्हारी मैयो, हराम जादे अगर किसी ने रणजीत सिंह के होते हुए सम्राट बनने का ख्वाब तक देखा तो याद रखो तुम दोनों को साले दसवीं जमीन में जिंदा काट दूंगा। इसे रणजीत सिंह के खिलाफ अगर आवाज उठाया दाम हमका मारो समझो गाभिन साले कुत्ते। मरकट ये क्या है? बीमारियां, सारी बीमारियां तेरी दूर कर दूंगा, दूर दोबारा ऐसी हरकत नहीं करना। याद रखो रणजीत सिंह वो पला है, याद करो बगिया, कौन सी बगिया, चौदह बबौना रहा था,
आओ हमारे साथ हो, हम चलेंगे कल्याण बल बाबा के पास। आओ तुम मेरे चार दोबारा से गलती की राम तेरी जान छीन कर साले कुत्तों को। ए घोड़ी चूतिया कावा हो, अबे तो हमें पीछे कावा कर रहे हैं। हाँ तो मंदिरिया के पीछे कावा कर रहे हो। हम कहा साला ना घुसा हुआ तो हुमक दे घुस जाए। वही तो हमहू सोचा यार कि हटका फटका हो तो हम पीछे से हुमक दे अंदर तक चला जाए। तो तुम हमें हुम कर रहे हो। हम कहा डबल डोज रही तो पहुंच जाए। तुम जौन करो तो हम कही के छोड़ दी। तुम छोड़ दे यही तब हम शुरू की है। अच्छा तो तुम हमें में शुरू करी हो। और कहे लड़का घरहन से सीखा था। अच्छा तो ये सीखे वाली मशीन हो गया। एक बार बताई ये साला बहुत तपा है यार। हाँ यार चलो नहीं कौनो कहीं से आवा धाई दे तो वहाँ क्यों निकलिए। हाँ तो वहाँ निकलिए। आंधी पानी के खबर मिल जाते के सादे के खबरों नहीं मिले। नहीं मिले सर ये था आई कैसे सटासा सटासा कैसे बारबरी बोकरी खा लिया ऐसे। अपन यार कौनो ठेकेदार आ सफेदा को बोला ही चले आते। चलो भाई नहीं मारी तो मौत कर जाए पक्का। अरे हमें तो लूट लिया, हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने, गोरे गोरे कालों ने, काले काले वालों ने। हमें तो लूट लिया, ये तो ओरिजिनल ताजा है। फिल्मी दुनिया वालों को हुस्न वाले लूटे हैं। हाँ हमका तो हमारे ससुराल वाले भी जा रहे हैं। कहा ससुराल वाले एकदम उछिन्नी के पहरा बोला है जी। कहेगा पहरा उछिन्नी के कहे और कुछ समझा तो हम पक्का समझ रहे। तुम वही का समझ वही कह रही हो। और हमें तो लूट लिया मिलके ससुराल वालों ने, गोरी गोरी साली ने, काले काले सालों ने। हमें तो लूट